नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का जो है शहीदी दिवस है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरे देश में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का जो बलिदान उन्होंने देश को आज़ादी के लिए दिया, आज हमसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। देश सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें बात है। आज हमें ये संकल्प करने की जरूरत है कि मैं सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश है। अगर देश के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से विपत्ति आएगी तो मैं अपने आप को उस पर न्यौछावर करने से पीछे नहीं हूँ। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने जो है अचानक से जो है एक शहीदों के प्रति प्रेम दिखाना शुरू कर दिया, और खासतौर से छुट्टियां जिस तरह से शुरू करी गई हैं, चंडीगढ़ प्रशासन ने कल एक छुट्टी घोषित करी। पंजाब में पहले छुट्टी नहीं होती थी, हरियाणा में हालांकि पहले से ही परंपरा रही है छुट्टी की। नहीं, देखिए, छुट्टियाँ करने से कोई बहुत ज़्यादा आत्मीयता या उनके प्रति सद्भावना पैदा होती है, ऐसा नहीं है। ये तो मन से होता है कि मन से आपके विचार कैसे हैं, आपकी पॉलिसीज कैसी हैं, देश के प्रति आपकी सोच क्या है, ये आपके मन से होता है। नमस्कार, आज शहीदी दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज शहीद अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस है। उनकी जो उन्होंने देश के लिए किया, देश की आज़ादी के लिए उनके जो योगदान है देश की आज़ादी में, वो हमेशा हर भारतवासी को हमेशा याद रहेगा, और वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। इस मामले में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज ये शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है, इस शहीदी दिवस को केवल भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुखदेव इनके यहां तक ही सीमित ना रखा जाए, बल्कि ये शहीदी दिवस स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी शहीदों को समर्पित होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर शहीदी दिवस मनाया जाना चाहिए, और जिसमें जिस दिन जो स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लोग शहीद हुए हैं, जितने भी लोगों ने अपनी आहुति दी है, उन सबको याद किया जाए, और हर जिले में हर स्तर पर राष्ट्र सरकारी कार्यक्रम होने चाहिए और उन शहीदों की याद में कार्यक्रम किए जाने चाहिए। शहीद जैसे वार मेमोरियल की तर्ज पर शहीदों के लिए भी एक अलग से मेमोरियल बनाने जाने चाहिए, स्मारक बनाए जाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान से कुछ शिक्षा ले सके, उनको उनसे प्रेरणा ले सके, और देश के लिए कैसे निछावर, अपने जान कैसे निछावर की जा सकती है, इस बात की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।